कर्मचारी ही भागी क्यों, मुखिया सांसद और विधायक बने हुए अपवादी क्यों, एनपीएस यदि अच्छी है तो कर्मचारी ही भागी क्यों, मुखिया सांसद और विधायक बने हुए अपवादी क्यों, हम भी जनता के सेवक क्यों, हम पे अत्याचार लुटा हुआ महसूस कर रहे, हम तो भरे बाजार, हमको पेंशन दो सरकार, हम हैं पेंशन के हकदार, लोकतंत्र में राजा को प्रजा की सुननी पड़ती है, प्रजा रहे खुशहाल तभी राजा की जय जय होती है, लोकतंत्र में राजा को प्रजा की सुननी पड़ती है, प्रजा रहे खुशहाल तभी राजा की जय जय होती है, ऐसे कैसे आप ही बोलो होगी जय जयकार, नेता खाए रबड़ी मलाई, हमको चटनी अचार, हमको पेंशन दो सरकार, हम हैं पेंशन के हकदार, आप ही सोचो हाय बुढ़ापा क्या क्या रूप दिखाएगा, आप ही सोचो हाय बुढ़ापा क्या क्या रूप दिखाएगा, तन बूढ़ा आंखें मध्यम तब कौन राह दिखलाएगा, जीवन बोझ लगेगा होगा तन और मन बीमार, जीवन बोझ लगेगा होगा तन और मन बीमार, यही बुढ़ापे की लाठी है, यही तो है आधार, हमको पेंशन दो सरकार, हम हैं पेंशन के हकदार, क्या ये लड़ाई चलेगी यूं ही सड़कों से न्यायालय तक, कर्मचारी का भाग्य लिखा क्या ज्ञापन और कार्यालय तक, क्या ये लड़ाई चलेगी यूं ही सड़कों से न्यायालय तक, कर्मचारी का भाग्य लिखा क्या ज्ञापन और कार्यालय तक, हम भी जतन करेंगे ऐसे मानेंगे नहीं हार, हम भी जतन करेंगे ऐसे मानेंगे नहीं हार, बीच भवर में नैया डोले मत खींचो पतवार, हमको पेंशन दो सरकार, हम हैं पेंशन के हकदार, आंख मिचोली बहुत हो गई अब जागो सरकार, ओपीएस को लागू करके दो हमको उपहार, ओपीएस ही मांग हमारी करो ना अब इनकार, जो गलती हो गई अब तो करो सुधार, हमको पेंशन दो सरकार, हम हैं पेंशन के हकदार, मांग रहे हैं बार बार तुमसे अपना अधिकार, हमको पेंशन दो सरकार, हम हैं पेंशन के हकदार। आवास योजना का मामला है, 20 वर्षों से क्रमशः लगे हुए मुखिया और संबंधित जो भी पदाधिकारी के संपर्क में, लेकिन आवास योजना नहीं मिला, अत्यंत गरीब परिवार से मिला, नगर पंचायत क्या दिक्कत हुई जो आवास योजना नहीं मिल रहा, क्या दिक्कत है? भिन्न भिन्न प्रकार की समस्या बताते हैं, मोटे तौर पे गरीब होने के कारण वो रिश्वत की मांग करते हैं और हम नहीं दे पाते, इसलिए 5,000-10,000 का ऐसा मामला है, जो आप दीजिएगा तो आपका नाम उसमें डलवा देंगे, यदि नहीं दीजिएगा तो नहीं डलवाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री, हेलो, अरे सहरसा से आए हैं संजय, ये कह रहे हैं कि आवास योजना इसका नहीं बन रहा, इसका लाभ नहीं मिल पा रहा, जरा देखिए तो उसको कहे नहीं कहे सब दिक्कत कर रहा है, ठीक ठीक। हाँ पूछिए सर। क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार। क्या लिए हैं? यूरिया। कहाँ से? परमानंद का दुकान, बिंदु का दुकान, बिंदु खाद। घर कहाँ हुआ? ढोली। खेती करते हैं जी? कितना में? छह। कितना में लिए यूरिया? 266 में। बिल लिए हैं जी? दिखलाइए तो बिल। कितना पैसा लगा? 266 रुपया। आप दुकान में जाते हैं, कुछ सामान लेते हैं तो सामान का प्रिंट देखते हैं जी? देखते हैं। तो आप यूरिया लिए तो इसका प्रिंट देखे कितना दाम है जी? यूरिया 266। तो बिल पर ना है जी, लेकिन आपके सामान पर है दाम लिखा हुआ, इस पर 266 है, इस पे भी लिखा हुआ। कहाँ है दिखलाइए? यहाँ है, यहाँ इधर से, यहाँ है 266 बिल में है, 266 जी। ठीक ये बोले क्या?
क्या नाम हुआ? लाल यादव। घर? आरल। हाँ भाई, कितना बोरा लिए? एक बोरा। कितना में? 266 में। ज्यादा नहीं ना? ठीक। किधर ले लिए यूरिया? 266। केकरा काम से? सुरेश खाद बीज भंडार से। ठीक ठीक। पैसा गिरा उधर ले। तो अगली खबर रोहतास से है। जिले में खाद को लेकर के मारामारी की स्थिति है, जिसको लेकर के जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने समीक्षा बैठक की और जिसके बाद 6 उर्वरक दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। साथ ही जिला कृषि पदाधिकारी का वेतन भुगतान पर भी रोक लगा दिया गया है। डीएम धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि कई प्रतिनियुक्ति कृषि समन्वयक और सलाहकारों पर भी कार्रवाई की जाएगी और खासकर खुदरा विक्रेताओं पर नजर रखी जा रही है। में डिटेल समीक्षा हुई है और कुछ कुछ डिफॉल्टर रिटेलर का जो है लाइसेंस भी रद्द हुआ है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर ऑफिसर की सैलरी भी रोकी गई है और साथ साथ यदि किसी का दोष पाया जाता है रिटेलर के साथ संबद्ध जो हमारे सलाहकार समन्वयक है उनके ऊपर भी विधि सम्मत एक्शन लिया जाएगा। और इसके साथ साथ राज्य से बात करके हम लोग एक्स्ट्रा यूरिया का रेट भी मंगवा रहे हैं। जो बंजरता है आपका जो मिट्टी का जो उपजाऊ शक्ति है ना खत्म हो गया। केचुआ को मधुमक्खी को मार दिए तो सब प्रकृति खत्म। तो ये फिर आप 4G लिख लीजिए रीजेंट। आपको ही बोल रहे हैं सर। रीजेंट दामेदार 6 से 8 किलो बीघा में 6 से 8 किलो। कार्तिक मास की अमावस्या को मनता ये त्योहार, सजते हैं दुल्हन के जैसे सबके ही घर बार, करके साफ सफाई घर की लीपा पोता जाए, कहते हैं कि लक्ष्मी जी इस दिन धरती पर आए, हर एक घर में लक्ष्मी पूजन इस दिन होता है, निर्धन हो धनवान चाहे बड़ा या छोटा है, अपने अपने घरों में दीपक घी के जलाते हैं, कहते हैं कि राम अयोध्या इस दिन आते हैं, इसी खुशी में दीपावली त्योहार मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को आज मनाते हैं हम कथा। अगर आप संघर्ष नहीं करते तो नहीं मिलता। कभी कृषि सलाहकार की बात है,
अब इनका तो स्टंट भी है और हम लोग भी पूरा संघर्ष करें। अब इनको हटाने की तो बात ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं उठता है, तो हम लोग भी चाहेंगे कि इनका नियमितीकरण हो। और हम लोग एक चर्चा कृषि रोड मैप में है, हम लोगों से मांगा गया है, तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कृषि सलाहकार का, कि हम लोग को आप लोगों से एक निवेदन होगा कृषि सलाहकार का, कोई ऐसा डिमांड है कुछ ऐसा है हमको लिख करके कल दे दे अगर संभव हो तो, नहीं तो हम लोग तो जो समझ में आएगा जो दिमाग में आएगा दे देंगे, लेकिन आप दे दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके मन की बात को रेट जो हमने किया था वो सर के सूचना पे ही किया था, सर सूचना दिए थे कि वैसा कुछ है रेकी करवा के रेट करिए, तो रेट हुआ था और एक एक चीज उनको पता है, इसीलिए आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करें, जो भी पदाधिकारी या कर्मी इसमें संलिप्त होंगे उसमें कार्रवाई होगी। अभी जो हम लोगों का मूल लक्ष्य है वो है कि अभी बुआई का समय है, साल भर किसान तैयारी करता है कि अभी बुआई करेंगे तभी हम बैसाख में फसल काट पाएंगे, तो उसमें बाधा उत्पन्न नहीं हो, इसलिए हम लोग खाद की जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित करवा रहे हैं। आप लोग निश्चिंत रहिए, जो भी इसके लिए साल भर का समय दिया जा रहा है, परसों हम लोग अनशन पर बैठेंगे, अगर हम लोग का कोई वक्त कोई कार्रवाई नहीं होगी संभव नहीं हो सकता है, खाद की आपूर्ति होगा ये संभव नहीं होगा, नहीं करवाएंगे आप सर, पूरा जिला में सर 500 आप निश्चिंत रहिए, हम लोग इसको बिल्कुल सही करवाने, जो भी गलती हुई है गेहूं बात करेंगे सर, 2000 रुपए पूरा बिकेगा, को मैंने बोला तो बोलते 3000 पर चला गया उस रोज के बाद सब पहने गया है, वो सब खोलेंगे दुकान, अगर नहीं कोई बोलता जिसका भर दिन बंद रहता है उसका दिन का फोटो खींच के एक आवेदन किसी भी आदमी से दिलवा दीजिए, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम है उसके हिसाब से उसको दुकान अपना खोल के रखना है, अगर वो इसमें नहीं करेगा तो उसका लाइसेंस रद्द करवा देंगे, लाइसेंस रद्द होगा तो नहीं मिलेगा, समय है सर खाद मिलने वाला, अभी खाद नहीं मिलेगा तो किसान माफिया जो है जिसको 10 साल पहले कुछ नहीं था और वह माफिया गिरी करके उड़वरक का और आज अरबों में खेल रहा है, तो बिना इसके संरक्षण से कैसे काम हो रहा है, उसका संज्ञान में है आप समझिए, जिला के मालिक जिलाधिकारी होते हैं और जिलाधिकारी के संज्ञान में सब चीज है, और जो जो इसके गिरफ्त में आएगा हम लोग किए ना, उतना बड़ा माफिया था हम लोग किए ना कार्रवाई, दुकान सील कर दिए, पिछली बार भी किए थे, इतना बड़ा माफिया था कार्रवाई कर दिए ना, आगे भी करेंगे, पदाधिकारी द्वारा जो लगाया जा रहा है आप आरोप क्या उस संबंध में, उस संबंध में जांच की जा रही है, बड़े स्तर से जांच की जा रही है, उससे कुछ क्या कमेंट करना, अभी हम लोग का जो मूल लक्ष्य और हमारा जो पर्पस है किसान को सही मूल्य पे आवश्यक खाद की आपूर्ति कराना, उसके लिए हम लोग कल से दुकान खुलेगी, आज से ही खुलेगी, आज से अगर जो नहीं खोला तो फिर आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम के तहत दुकानदारों पे कार्रवाई की जाएगी, आप दुकानदार भाइयों से रिक्वेस्ट कर लें कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपका भी रोजी रोटी उस दुकान से है, फिर कोई बचाने नहीं आएगा, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके माध्यम से, हम सारे दुकानदार भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम के तहत आपको दुकान खोलना ही है, इस संबंध में कोई कम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, और अभी तो और भी नहीं कम्प्रोमाइज होगा, अभी हम लोग बहुत सीरियसली लेंगे, पीक सीजन है, फसल बुआई का सीजन है, इसलिए इसको बहुत सीरियसली जिला प्रशासन के द्वारा लिया जाएगा, ये सब ठीक। चलिए ओके शुरू करो।
अनुमंडल पदाधिकारी मधुबनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद सहरसा इकाई जिंदाबाद जिंदाबाद अनुमंडल पदाधिकारी को बर्खास्त करो बर्खास्त करो अनुमंडल पदाधिकारी मधुबनी को बर्खास्त करो बर्खास्त करो अनुमंडल पदाधिकारी मधुबनी को बर्खास्त करो बर्खास्त करो जिला इकाई सहरसा जिंदाबाद जिंदाबाद जिला कृषि पदाधिकारी मधुबनी तुम्हारे साथ है साथ है जिला कृषि पदाधिकारी मधुबनी आपके साथ है साथ है अनुमंडल पदाधिकारी मधुबनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद अनुमंडल पदाधिकारी मधुबनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिला कृषि पदाधिकारी मधुबनी जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 किसी परिवार की एकता जिंदाबाद 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 किसी परिवार की एकता जिंदाबाद 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 अनुमंडल पदाधिकारी मधुबनी हाय 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 अनुमंडल पदाधिकारी मधुबनी हाय 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 किसी पदाधिकारी मधुबनी जिंदाबाद 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 मधुबनी जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 अनुमंडल पदाधिकारी हाय 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 अनुमंडल पदाधिकारी मधुबनी हाय साथ आज हमने कृषि विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक नहीं की, आज मुख्य रूप से पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पदाधिकारी। सर, मधुबनी की घटना को लेकर कार्य प्रभावित है कृषि विभाग में, तो क्या उसको लेकर कुछ नहीं? कल से हमारे कृषि विभाग के कृषि सेवा संघ के कर्मी लोग पदाधिकारी लोग स्ट्राइक में हैं। हम लोग उन लोगों का समझाए हैं और डायरेक्शन भी दिए हैं, लेकिन साथ साथ जो जिला पदाधिकारी मधुबनी उसकी जाँच कर रहे हैं, उनसे जाँच प्रतिवेदन जल्दी आने की उम्मीद है, तो वो रिपोर्ट आ जाएगा तो उसके बाद सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। मधुबनी एसडीओ मुर्दाबाद बर्खास्त करो बर्खास्त करो मधुबनी एसडीओ को बर्खास्त करो मधुबनी एसडीओ को बर्खास्त करो मधुबनी एसडीओ को बर्खास्त करो बर्खास्त करो बैठिए। नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। सदर एसडीओ को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। सदर एसडीओ को बर्खास्त करो, ये भाई कहीं हालात ठीक हो रहा है। सदर एसडीओ को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। सदर एसडीओ मुर्दाबाद। इनका ये प्रवृत्ति पहले से भी कई बार दोहराया गया। आम जनता पर हाथ चुराना, दुकानदार पर हाथ चुराना, हाथ छोड़ना, इनका ये मतलब पुराना आदत है इनका, टीचर के ऊपर हाथ छोड़ना। बानी के पापा, आज जल्दी तैयार हो जाना, बानी की सभा में जाना है। ठीक है चले जाएंगे, लेकिन आज जल्दी घर आ जाएंगे, मुझे पराली को आग भी लगानी है। पर बानी के पापा। बस बस, धुएं से अंबर, धरती माँ भी रोती है।
जानता हूँ आप एक कर्मठ किसान भी हैं कि कृषि विभाग में कोई बुरा नहीं मानेंगे। मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ग्रास रूट लेवल पर यदि किसान सलाहकार नहीं होते तो तीन तीन बार जो कृषि कर्मण पुरस्कार कृषि विभाग को प्राप्त हुआ धान गेहूं मक्का में, शायद वह नहीं हो पाता। ये मेरे ग्रास रूट लेवल के कर्मी हैं। कितने लोग इस लोक से परलोक चले गए, कितने वृद्ध हो गए और कितने वृद्ध होने के कगार पर हैं। यदि मेरी यह आवाज आप पहुंचा दें और आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि इन किसान सलाहकार को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए एक कार्य यदि हो जाता बिहार सरकार कृषि विभाग द्वारा, केवल एक चीज और कुछ नहीं कि इन्हें सरकारी कर्मी घोषित करने की कार्रवाई होती तो मैं समझता कि कृषि विभाग में जो मैं कार्य किया हूँ और जो मेरा एक दिली इच्छा था वो शायद पूरा होता। और माननीय ऊर्जा मंत्री के द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं इस जिला के लिए उसमें यह कार्य जुट चुका और उनके उपलब्धि में चार चांद लग जाता। ये मेरा आग्रह मैं कर सकता हूँ और मैं एक आग्रह जिला कृषि पदाधिकारी जी से करूंगा कि मैं कृषि, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं कृषि विभाग का नमक खाया हूँ। भले ही मैं अब सेवानिवृत्त हो गया हूँ लेकिन अपने आप को उस वायरस की तरह मानता हूँ जिस वायरस को बायोलॉजी की परिभाषा में कहा जाता है इंटरलिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस को कहा जाता है कि सजीव और निर्जीव के बीच का चीज है। शायद मैं अपने आप को किसान और कृषि विभाग के बीच का चीज मान रहा हूँ और जो भी जवाबदेही मुझे अभी वर्तमान में जिनके द्वारा दी गई है मैं केवल और केवल किसान के प्रति समर्पित कर दिया हूँ अपने आप को। और मैं अपना समय किसान भाई को दे रहा हूँ वर्तमान में जगह जगह जहाँ से किसान भाई करके उस पे गोबर आप डाल दीजिए। घर में गोबर होता है पुराने पे डाल के छोड़ दीजिए, ज्यादा नहीं 20 दिन में तो सड़ के उसका हालत खराब हो जाएगा, वो सड़िए जाएगा और सड़ने के बावजूद नजायज नहीं होगा। उसको खेत में ट्रैक्टर से उजलवा के जुताई करवा दीजिए। आपको एक बात पता होगा कि एक टन पुआर में कितना फायदा होता है, आप ही तो हमको बता रहे थे कि नुक्कड़ नाटक में बता रहा था, बता दीजिए तो जरा। भैया नुक्कड़ नाटक को क्या रखा है, वहाँ पर लोग आता है अपना नाम तुम करके चला जाता है और सब लोग आता है हाजिर बना के चला जा रहे। तो भैया लेकिन बता दे रहा था, अगर वो बात सच है सच बात बता रहा, बिल्कुल सही बात बता रहा था। कहाँ बता रहा था अभी बताइए। मैं बता रहे थे अगर आप एक टन पुआर जो पराली होती है अगर खेत में छोड़ देते हैं तो बता रहा था मिट्टी को ढक के रखेगा, मिट्टी जो हमारे धूप में जो खत्म हो जाएगा। नाम नाम नहीं जानते हैं।